जय हिंद दोस्तों, आज के इस वीडियो में एसआई भर्ती से संबंधित एक बहुत बड़ा अपडेट आया, उसके बारे में डिटेल से बात करूंगा मैं। और मुझे बिल्कुल समझ नहीं आ रहा है कि अपडेट मैं उन लोगों के लिए जो 2018 में फॉर्म भर चुके हैं 3 साल पहले, उनके लिए पॉजिटिव कहूँ या निगेटिव कहूँ। तो आप लोगों से अनुरोध है कि 3 साल बाद कोई एक अपडेट आया एसआई भर्ती संबंधित, तो वीडियो को अंत तक देखिएगा, पूरा देखिएगा, तभी आप लोग कमेंट करिएगा। और मैं कोशिश करूँगा कि इस वीडियो में ही आपके सारे सवालों का जवाब दे दूँ। जो चीज़ें क्लियर हैं उनको मैं बता दूंगा, ये चीज़ें क्लियर हैं, जो चीज़ें अभी क्लियर नहीं हुई हैं उनके बारे में अभी मैं नहीं बता पाऊँगा। तो आप वीडियो को एटलीस्ट लास्ट तक देखिएगा। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट कर लेता हूँ। और यहाँ पे देखिए दोस्तों, आप लोग स्क्रीन में छत्तीसगढ़ राजपत्र, और ये प्रकाशित हुआ है गृह विभाग मतलब पुलिस डिपार्टमेंट के द्वारा। यहाँ पे दिनांक देखिए दोस्तों, 24 जुलाई 2021। अब ये प्रकाशित इसलिए शॉर्ट में पहले बता देता हूँ कि एसआई भर्ती जो 2018 में ली गई थी उसके लिए पहले फिजिकल था, 1500 मीटर की दौड़, उसके बाद उसके लिए पेपर होने वाले थे। उन सभी को चेंज करके 2012 में जिस प्रकार से फिजिकल और भर्ती ली गई थी उसी प्रकार से कर दिया गया, वापस वही राजपत्र डाल दिया गया है। इसके लिए तो मैं ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूँ कि छत्तीसगढ़ में पहले एसआई की भर्ती कैसी होती थी, उसके लिए फिजिकल कितने नंबर के होते थे। लेकिन यहाँ पर जो राजपत्र में है उसको एक बार मैं आप लोग को दिखाना चाहूँगा। यहाँ पर लोग देखिएगा, जो इम्पोर्टेंट बातें उसको मैं यहाँ बता देता हूँ। यहाँ पर देखिए, जो भर्ती में यहाँ पर लिखा हुआ है भर्ती का तरीका, इसमें 3-4 तरीके बताए गए हैं। सीधी भर्ती के माध्यम से लिया जाएगा, कुछ प्रमोटेड हो सकते हैं, कुछ ऐसा है जो खेल में बहुत उत्कृष्ट हैं, जैसे किसी को डायरेक्ट डीएसपी बना दिया गया या एसआई के दे दिए, उस प्रकार से भर्तियाँ होंगी। सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है, जो लोगों के मन में भी पिछले 3 सालों से कन्फ्यूजन था कि पहले क्या होगा। तो दोस्तों नीचे आके देखिए, आपकी चयन की प्रक्रिया यहाँ पर लिखा हुआ है, चयन की प्रक्रिया क्या होगी। यहाँ पर देखिए, शारीरिक माप का मान, तो इसमें शारीरिक दक्षता परीक्षा नहीं होगी, सिर्फ आपका चेस्ट वगैरह नापते हैं, हाइट वगैरह नापते हैं, फ्लैट फुट वगैरह देखते हैं। इसके लिए मैंने पहले डिटेल में वीडियो बना चुका हूँ। जैसे ही आपकी शारीरिक माप हो जाएगी तो फर्स्ट जो है प्रारंभिक लिखित परीक्षा होगी। इसमें मैं बता दूँ, जो प्रारंभिक लिखित परीक्षा वो 300 अंकों की होगी और समय आपको सिर्फ 2 घंटे का इसमें मिलेगा, ठीक है। अब इसका जो 20 गुना अभ्यर्थी होंगे, जो लिखित परीक्षा में मतलब जो कुल पोस्ट है उसका जो 20 गुना अभ्यर्थी हैं, उनको मेंस परीक्षा में मौका दिया जाए, और 20 गुना अभ्यर्थी से अधिक हो जाती तो भी चलेगा अगर नंबर बराबर आते हैं तो। ये बात करूँ दोस्तों, जो मुख्य लिखित परीक्षा है उसमें 3 पेपर होंगे आपके, सभी नॉर्मल लोगों के लिए। हिंदी और अंग्रेजी भाषा में पहला पेपर होगा, इसमें 200 अंक का होगा। ये 200 अंक में जो 125 अंक हैं वो हिंदी के लिए होंगे और 75 अंक जो होंगे वो अंग्रेजी के लिए होंगे। तो आपको हिंदी और अंग्रेजी बहुत अच्छे से पढ़नी पड़ेगी और ये सभी अभ्यर्थियों के लिए अनिवार्य होगी। जो सेकंड पेपर होगा आपका मेंस का, वो लगभग वो भी 200 नंबर का ही होगा, और ये भी परीक्षा जो होगी वो 3 घंटे की होगी, और ये भी सभी परीक्षार्थियों के लिए अनिवार्य है। आपको पता होगा कि सूबेदार, प्लाटून कमांडर, विशेष शाखा, रेडियो, इस प्रकार के 7-8 प्रकार की पोस्ट आई हुई थी। तो थर्ड पेपर जो होगा उसके बारे में बात करें तो वो एप्टीट्यूड टेस्ट होगा, 200 अंक की परीक्षा होगी, इसके लिए भी समय क्या होगा, 2 घंटे का होगा, और सभी अभ्यर्थियों के लिए ये भी अनिवार्य होगी। लेकिन अगर आगे मैं बात करूँ तो 2 पेपर और बचते हैं। जो चौथा पेपर होगा वो विज्ञान का होगा, यह परीक्षा 200 अंक की होगी और 2 घंटे की ये भी होगी, लेकिन ये परीक्षा केवल ऐसे अभ्यर्थियों के लिए होगी जो उसमें रेडियो में अंगुल चिन्ह में जो डाले होंगे एसआई भर्ती के लिए, उन लोग के लिए होगा। और जो 5वां पेपर होगा वो कंप्यूटर विज्ञान का होगा, और इसमें उन्हीं लोग के लिए होगा जो निरीक्षक में कंप्यूटर या साइबर क्राइम वगैरह में अप्लाई किए होंगे, उन्हीं लोग को देना। लेकिन अगर नॉर्मल व्यक्ति है उसको 3 पेपर देना कंपलसरी है मुख्य परीक्षा में। अब मुख्य परीक्षा हो जाएगी, उसके बाद उसका रिजल्ट आएगा, और रिजल्ट के 5 गुना जो अभ्यर्थी होंगे उनको शारीरिक दक्षता परीक्षा में लिया जाएगा। ऐसा चेंजेस किया गया, पिछले बार भी सेम यही था। तो 5 गुना जो अभ्यर्थी हैं वो शारीरिक दक्षता परीक्षा में आएंगे। अब शारीरिक दक्षता परीक्षा कितने नंबर की होगी, 300 नंबर की शारीरिक दक्षता परीक्षा होगी, और 5 इवेंट होंगे, और प्रत्येक इवेंट 60 नंबर का इसमें होने वाला है। यहाँ पे आप लोग देख पाएंगे, स्क्रीन में बोलते जा रहा हूँ आपको, स्क्रीन में डिस्प्ले होता जा रहेगा। लंबी कूद 60 अंक, ऊंची कूद 60 अंक, गोला फेंक 60 अंक, 100 मीटर दौड़ 60 अंक, और 1500 मीटर की दौड़ 60 अंक, ठीक है। तो इसके बाद इसमें जो 300 अंक होंगे, तो इसमें एक बात आप लोग याद रखेंगे, मिनिमम 30% मतलब 300 में से मिनिमम 90 नंबर आपको लाना कंपलसरी है, अन्यथा आप इसमें फेल कर दिए जाएंगे। लेकिन अगर मैं इसमें बात करूं कि उप निरीक्षक कंप्यूटर और उप निरीक्षक साइबर क्राइम वालों के लिए सिर्फ ये क्वालिफाइंग नेचर का होगा, उनको इसमें इसमें नंबर नहीं मिलेंगे, इसके नंबर शायद ना भी जुड़े, इसमें कोई अंक नहीं दिए जाएंगे, ठीक है। और इसके बाद जब आप लोग प्री निकालेंगे, मेंस निकालेंगे, शारीरिक दक्षता परीक्षा पास हो जाएगी, तो उसके बाद 100 अंकों का साक्षात्कार रखा गया है, इंटरव्यू रखा गया है। पिछले राजपत्र में इसको हटा दिया गया था क्योंकि इंटरव्यू व्यापम के भी सभी परीक्षाओं से हटा दिया गया है, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि जो छोटे लेवल के एग्जाम होते हैं वहाँ पर इंटरव्यू में थोड़ा घूस वूस चल सकती है और गलत तरीके से किसी को नंबर कम ज़्यादा दिए जा सकते हैं, तो इसको हटा दिया गया था। लेकिन पुनः राजपत्र में प्रकाशित किया गया और 100 अंक का क्या होगा, आपको साक्षात्कार लिया जाएगा, और 10 अंक उसके बाद बोनस अंक मिलेंगे राष्ट्रीय खेलकूद में, जब साक्षात्कार होगा उसमें 10 अंक बोनस भी दिए जाएंगे।
तो सीधी भर्ती की जो पात्रता वगैरह यहाँ पे सभी लिखी गई है कि कौन कौन व्यक्ति पात्र होंगे, इसमें कौन कौन फॉर्म डाल पाएंगे और उनकी आयु क्या होगी, उनका आरक्षण क्या होगा। चूंकि अब फॉर्म 2018 में ले लिए गए हैं और इस राजपत्र में ऐसा बिल्कुल नहीं बताया गया है कि नए अभ्यर्थी को फॉर्म डालने का मौका मिलेगा कि नहीं मिलेगा, तो मैं इसको यहाँ पे अभी नहीं बता रहा हूँ। अगर ऐसा बाद में नोटिस आता है कि नए अभ्यर्थी इसमें फॉर्म डाल पा रहे हैं तो उसको मैं एक बार और डिस्क्राइब कर दूंगा कि कौन किन अभ्यर्थी इसमें फॉर्म डाल पाएंगे। आगे मैं इसमें बताता हूँ। देखिए, शारीरिक अर्हता भी दिया गया है, ऊंचाई 168 सेंटीमीटर है, सीना फुला करके 81 है, फुला करके 86 है, बिना फुलाए 81 सेंटीमीटर है। तो जो लोग फॉर्म डाल चुके हैं उनके लिए सब तो दिक्कत है ही नहीं, अगर नए अभ्यर्थी फॉर्म डालेंगे तो उनके लिए सब चीज़ें चाहिए होंगी। तो इसमें आगे मैं बात करता हूँ कि आपका जो फिजिकल होगा उसमें नंबर कितने मिलेंगे, हालांकि मैं उसके लिए भी एक अलग से वीडियो बना चुका हूँ। आगे दोस्तों, चयन सूची से आपको नियुक्ति दी जाएगी और ये चयन सूची जो तैयार होगी प्रारंभिक परीक्षा, लिखित परीक्षा और साक्षात्कार को मिलाकर के तैयार की जाएगी और उन्हीं लोग को इसमें चयन होगा जो फिजिकल में कम से कम 30 नंबर ला पाए होंगे। उसके आगे मैं थोड़ा सा और बात करता हूँ, अगर सभी के समान अंक आ जाते हैं तो जानते हैं आप लोग, जिसकी आयु अधिक होती है उसको मौका अधिक दिया जाता है। उसके बाद इसमें एक नियम और ऐड कर दिया गया है कि जो 70%, 80% और 90% जो पेमेंट मिलेगी आपको कट करके, जो इस गवर्नमेंट ने नया नियम निकाला था, तो उसको भी इसमें ऐड कर दिया गया है। पेमेंट के लिए यहाँ पे 70-80% और 90% वाला क्राइटेरिया रख दिया गया है। तो जो राजपत्र आया है दोस्तों, ये पूरा लगभग 55 पेज का है, जिसमें हिंदी में है ऊपर में 28 पेज के आसपास और उसके बाद इंग्लिश में कहा गया है। साथ में नीचे नियम 5 में ये सब भी दिखाया गया है कि कहाँ कहाँ पद खाली हैं, कुल पदों की संख्या कितनी है, अभी जो रेडियो में काम कर रहे हैं, अंगुल चिन्ह में काम कर रहे हैं, कंप्यूटर में कितने काम कर रहे हैं, आप लोग देख पाएंगे। ये सब यहाँ पे राजपत्र में प्रकाशित कर दिया गया है। और लास्ट में, जिसके लिए मैं पृथक से अलग से वीडियो बना चुका हूँ, यहाँ पे लिखा गया है कि पांचवी जो अनुसूची है उसमें लिखा गया लड़कियों के लिए और लड़कों के लिए कितने कितने मार्क्स रखे गए हैं पांच फिजिकल में। तो 60-60 नंबर का प्रत्येक फिजिकल है, कुल मिलाकर के 300 नंबर हैं और मिनिमम 90 नंबर आपको लाने ही पड़ेंगे तभी आप इसमें क्वालिफाइंग हो पाएंगे। तो आप लोग ध्यान दीजिए आपका कौन सा इवेंट अच्छा है, किसमें आप अच्छे नंबर ला सकते हैं और कौन सा इवेंट थोड़ा सा वीक है उसको आप लोग इम्प्रूव कर सकते हैं। अभी समय है आप लोगों के पास में, कम से कम जो 36 नंबर है सभी इवेंट में, 60 में से अगर 36 लेकर के चलेंगे और 150-200 के बीच में अगर आप फिजिकल में लेके आते हैं तो ये मान के चलिए आपका फिजिकल अच्छा है। अगर नए बच्चों को फॉर्म डालने का मौका यहाँ पे नहीं मिल पाता है तो ये 200 नंबर मैं बता रहा हूँ, 150-200 के बीच में फिजिकल में बहुत अच्छे नंबर होंगे, क्योंकि काफ़ी लोगों की एज अब 3-4 साल हो चुकी है और फिजिकल छोड़ चुके हैं। हालांकि इसमें पहले रिटर्न होने वाला है तो आप लोग रिटर्न की तैयारी कीजिए, अगर रिटर्न ही क्वालिफाइंग नहीं होगा तो फिजिकल का बात करने से बहुत अधिक यहाँ पे अभी मतलब नहीं है। तो दोस्तों, पूरी जानकारी जो मुझे देनी थी इस पीडीएफ से संबंधित मैंने दे दी है। हालांकि फिजिकल में कितने मार्क्स मिलते हैं इसके लिए मैंने अलग से वीडियो बना रखा हुआ है, एसआई भर्ती पहले कैसे होती थी, कैसे उसके लिए एडमिट कार्ड जारी किए जाते थे, वो सब मैं बना चुका हूँ, उसको आप लोग देख सकते हैं। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में इतना ही। सिर्फ राजपत्र में अभी प्रकाशित हुआ है कि चेंजेस कर दिए गए हैं, लेकिन नए बच्चों को फॉर्म डालने का मौका मिलेगा या नहीं मिलेगा इसके बारे में कोई जानकारी नहीं है। और साथ में ये भी बता दूं कि ये कंपलसरी हो गया है कि अब पहले क्या होने वाला है, रिटर्न होने वाला है, फिजिकल इसके बाद में होगा। तो छत्तीसगढ़ एसआई के संबंधित में बड़ा अपडेट आया है, राजपत्र में प्रकाशित किया गया है और सितंबर या अक्टूबर के महीने में हो सकता है इसके लिए अगला कुछ नोटिफिकेशन देखने के लिए मिल जाए। तो आप लोग तैयारी करना चालू कर दीजिए, रिटर्न पहले कीजिए, उसके बाद फिजिकल भी साथ में करते रहिए। मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक धन्यवाद, जय हिंद।